नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना बीप न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। करते हैं शुरुआत आज की प्रमुख खबरों से। खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से, 125 निगरानी अपराधियों की पुलिस कप्तान ने ली परेड। 10 वर्षों से कोई अपराध नहीं करने वालों को मिलेगी माफी। कंट्रोल रूम में आज पुलिस कप्तान अमित सिंह ने 125 निगरानी अपराधियों की परेड ली। इसके अलावा संपत्ति संबंधी आरोपियों से उनकी गुजर बसर के संबंध में स्वयं पूछताछ की। और ऐसे निगरानी बदमाश जिन्होंने पिछले 10 वर्षों से कोई अपराध नहीं किया है, उसे माफी में लाने हेतु संबंधित थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया। आपको बता दें कि आज रात्रि पुलिस कंट्रोल रूम जबलपुर में पूर्व में पकड़े गए लगभग 125 संपत्ति संबंधी अपराधियों एवं निगरानी बदमाशों को शहर के थाना प्रभारियों के द्वारा लाया गया। पुलिस कप्तान अमित सिंह ने जहां 10 वर्षों से कोई अपराध नहीं करने वाले को माफी में लाने के निर्देश दिए, तो वहीं सक्रिय संपत्ति संबंधी अपराधियों के प्रोफाइल एवं फोटो अपडेट करने हेतु आदेशित किया गया है। जबलपुर से सुप्रीम पावर हंटर न्यूज ब्यूरो की रिपोर्ट। देखिए, ये रूटीन की प्रक्रिया है। अपराधियों की परेड लगाने के पीछे उद्देश्य ये है कि कौन एक्टिव हैं, कौन निष्क्रिय हैं। जो पिछले 10 साल से कोई अपराध नहीं कर रहे हैं, जिनका चाल चलन अच्छा है, उन्होंने नया अपना व्यापार पेशा कर लिया है, उनको हम माफ़ी में लाएंगे। और जो नए लोग हैं या पुराने लोग हैं, अभी भी सक्रिय हैं, विभिन्न प्रकार के अपराध कर रहे हैं, उनका पूरा डाटा हम अपनी जो लोकल हमारी DCB है उसमें संकलित करेंगे। जिनके रिकॉर्ड नहीं है, जिनकी कद काठी में चेंजेस आ गए हैं, या जिनके चेहरे पहले की हमारी फ़ोटो है, अभी वर्तमान में उन्होंने अपना खोलिया चेंज कर लिया है, उनकी हम वर्तमान फ़ोटो रखेंगे। इसके अलावा एक बड़ा उद्देश्य ये है कि हमारे जो सभी थाना प्रभारी हैं, इन अपराधियों को बाई फेस जान लें। ये देखा जाता है कि अमूमन जो थाने के लोग हैं वो अपने निगरानी बदमाश को पहचानते नहीं, तो ये कवायद इसीलिए की जा रही है कि सभी की फ़ोटो विधिवत खींची जाएगी। अभी स्लेट पेन के नाम डिटेल पूरा रहेगा और बाकायदा वो रिकॉर्ड रहेगा, ताकि फेसबुक पे व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड रहेगा, ताकि जबलपुर के लोग भी जान सकें कि ये निगरानी बदमाश है, छुट्टा है। अमूमन ये टेंडेंसी होती है, निगरानी बदमाश अपने